Hello everyone. Myself SV Singh और मैं आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ये सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है। हाफ पार्ट प्योरली थ्योरी बेसिस है, इसमें 90% थ्योरी और 10% न्यूमेरिकल इंक्लूड होगा, और जो 50% पार्ट है वो आपका लैब पार्ट होगा। तो लैब पार्ट में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली लैब पार्ट जो है वो वर्कशॉप सेंट्रल वर्कशॉप आपने सुना होगा, तो सेंट्रल वर्कशॉप के नाम से लैब है, वहाँ पे जाके आपको परफॉर्म करना होगा और उसकी मार्किंग वो लैब इंचार्ज जो होंगे आपके वो उसको कंसीडर करेंगे। बाकी जो इनिशियल 50% पार्ट है वो थ्योरी पार्ट जो मेरे पास रहेगा और उसकी मार्किंग मैं करूँगा आपका। तो मेक श्योर आपको दोनों को सेपरेट रखना है और दोनों में पास होना कंपलसरी है, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर में हैं अभी, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, कौन कौन से मतलब क्विज वगैरह मेड और एंड, इसका आइडिया आपके पास है। नहीं है आइडिया तो मैं इसमें बता दूंगा आपको कि जो 50 मार्क्स हैं वो मेरे पास रहेंगे और 50 मार्क्स आपके लैब के पास जो लैब इंचार्ज होंगे वो होंगे। तो 50 मार्क्स में ही आपका मिड क्विज एंड अटेंडेंस और जितना भी असाइनमेंट वगैरह है वो सब इन्वॉल्व रहेंगे। इन सारे असाइनमेंट के बेसिस पे और मेड क्विज एंड के मार्क्स के बेसिस पे आपकी ग्रेडिंग तैयार की जाएगी और उसी के व्याप पे आपको आगे प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मोटा मोटा सा कि आपको दोनों सब्जेक्ट में दोनों पार्ट में पास होना कंपलसरी है। अगर एक में ही फेल हो जाते हैं तो आप ओवरऑल इस सब्जेक्ट में फेल होंगे, क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं वर्कशॉप कॉन्सेप्ट की। तो वर्कशॉप कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली अगर हम कोई चीज़ जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए उस चीज़ की। बीइंग एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट दी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आप जब टेक्नोलॉजी आपके पास पता आपको आइडिया होगा तब आप उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर में जो टेक्निकल, अगर हम बात करें टेक्निकल पर्सन की, तो टेक्निकल पर्सन को फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न यही है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में हम काम करने के लिए किस भेजें तो आप देखिएगा कि आपको हर एक फील्ड में जाने के बाद थोड़ा बेसिक बेसिक नॉलेज अगर इनिशियल है तो आप उसको अपना आगे यूटिलाइज करके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट ईयर में आपको हर एक सब्जेक्ट की जो बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक केमिस्ट्री मैथ, ये वर्कशॉप हो गया आपका, ये इसके अलावा भी और सब्जेक्ट भी हैं, तो ये आपका क्या करेंगे बेसिक सब्जेक्ट हैं जो आपको आगे चल के फ्यूचर में इन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे किसी भी फील्ड में आप जाते हैं अगर। तो अब वर्कशॉप के यहाँ अगर हम बात करें तो वर्कशॉप का क्या यूज़ रहेगा, आप एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अभी एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि जैसे मैंने आपका क्या ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात करता हूँ, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या है भाई? आपने नॉर्मली क्या किया, अगर आपको घर में ड्रिल करना है तो इन दैट केस आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन के केस में, ड्रिलिंग ऑपरेशन के केस में जैसे आपको अगर ड्रिल करना है सपोज, तो आपने क्या किया, ड्रिल मशीन उठाई और घर में ड्रिल कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक एफिशिएंट एक टेक्निकल पर्सन अगर आप हैं, आपको इसकी नॉलेज है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, ड्रिल बिट क्या होता है, कितने पावर के में मोटर चाहिए, कितने डायमीटर का होल करना है, तो आप एफिशिएंटली उस ड्रिल मशीन का यूज़ कर पाएंगे, कितना उसको कौन सा ड्रिल बिट लगाना है, हेलिक्स एंगल क्या है, व्हाटएवर। तो ये आपका जनरल लाइफ का एक एग्जांपल हुआ। उसी तरह दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं वेल्डिंग का। आपने सपोज एक टू व्हीलर ले ली है, टू व्हीलर में सपोज आपका बाइक का कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है इनकी ड्यूरिंग दी एक्सीडेंट और एनी थिंग्स, किसी वजह से आपका
अब वो पार्ट डैमेज हो जाता है। इन दैट केस आप क्या करते हो, उसको बेल्डर के पास ले जाते हैं। अब जब बेल्डर के पास ले जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बेल्डिंग करने वाला जो ऑपरेटर होगा वो अलग अलग बेल्डिंग करता है। उसमें आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग भी करता है वो, ऑक्सीजन या ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग भी करता है, इसके अलावा रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी करता है। तो जो भी है डिफरेंट वेल्डिंग जो एफिशिएंटली यूज होती हैं वो आपको वो करके देगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा वेल्डिंग ये कौन सी वेल्डिंग क्या होती है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और ना ही उससे ये कह पाएंगे कि नहीं भाई हमको आर्क वेल्डिंग की जगह गैस वेल्डिंग करना है। तो इन दैट केस यू शुड नो अबाउट दी नॉलेज ऑफ वर्कशॉप कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप उसको एफिशिएंटली बता सकते हैं कि भाई कैसे होता है क्या होता है। एम आई क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देख लीजिए इसका सिलेबस, देख लीजिए क्या है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा सारे लोग को। तो स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि इसका जो पेपर कोड है वो आपका क्या है, TCA S102, थ्योरी लिखा हुआ टी। यहाँ पे बेसिकली इस वर्कशॉप कॉन्सेप्ट को चार यूनिट भी कह सकते हैं आप, या चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट जो आपका मशीनिंग का है उससे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा आपका, जिसमें हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं इसके, क्लासिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये आपका सब इन्वॉल्व रहेगा। इसके बाद मशीनिंग आएगा, मशीनिंग यूनिट क्या होती है, फिर कास्टिंग प्रोसेस या कास्टिंग यूनिट में क्या क्या करते हैं, देन मेटल फॉर्मिंग क्या है, देन बेल्डिंग। तो ये चार पार्ट में हमने अपना सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और हर एक पार्ट को हम डीपली एनालिसिस करेंगे। डीपली ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको इसमें जाना है, नहीं, बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है। हमको क्या करना है कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो बस जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको कोरिलेट करके देखिएगा। अगर आप कोरिलेट कर लेंगे तो चीज़ें आपको इजीली लर्न भी हो जाएंगी और आप उसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंपल, आप बैठिए ऑनलाइन स्क्रीन पे, जब बैठते हैं तो एक पेपर पेंसिल लेके बैठिए या पेन पेपर लेके बैठिए, उससे आप क्या अपने नोट्स बनाते जाइए, जो भी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ शॉर्ट नोट बना लीजिए। बाकी यहाँ से जो भी मटेरियल होगा वो तो मैं आपको भेज दूंगा, और ये वीडियो भी आपके पास रहेगा, आप इसको बार बार देख भी सकते हैं। बट इन केस अगर आपको सेल्फ नोट बनाएंगे तो आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। क्लियर? नोट्स बनाने का फायदा क्या होता है भाई? ये फायदा, अगर सेल्फ नोट बनाते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आप जब सेल्फ नोट बनाते हैं तो वो आप अपने जो आपके दिमाग में रहता है, जो आपने चीजें लर्न की हैं, वो डायरेक्टली आप पेपर पे लिखते हैं। जब पेपर पे जब उसको लिखेंगे और उसको एक बार अगर रिकॉल कर लिया आपने, एक बार पढ़ लिया, तो सारी चीजें जो आपने उस टाइम पे पढ़ी होंगी वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएंगी। दैट मीन्स आपको लर्न बहुत ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार पढ़ लिया उसको, वो आपकी दिमाग में चीज़ अच्छे से बैठ गई है, फिर आप उसको जाके आंसर शीट पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए सेल्फ नोट का बहुत अच्छा फायदा होता है, उसको आप लोग बनाइए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इसका हम देख लें, व्हाट इज मशीनिंग क्या होती है, कास्टिंग क्या होती है, मेटल फॉर्मिंग क्या होती है, वेल्डिंग क्या होती है। तो अच्छा, उससे पहले बुक बता दूं मैं आपको, बुक यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, बुक आप चाहो तो ये रेफर कर सकते हैं। इसमें ये जो BS रघुवंशी की बुक आपको दिख रही है सेकंड नंबर पे, रघुवंशी VS वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये दो पार्ट में आती है, Volume 1 एंड Volume 2। तो अगर आप इसे परचेस कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी, वहाँ से आप इसको इशू करा के पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस इसमें आपका मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो बुक्स हैं ये बेसिकली मैकेनिकल की बुक्स हैं, ये सब्जेक्ट ही मैकेनिकल का है, प्योर मैकेनिकल है।
तो इसमें बहुत से, अगर रघुवंशी में आपका इस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वाली बुक में अगर कवर नहीं होगा, तो मैं बीच बीच में जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको मैकेनिकल से रिलेटेड बुक बताता रहूंगा। उन बुक्स में जाके आप वो टॉपिक पढ़ लीजिए, उससे आपको ये रहेगा ना कि वहाँ से और अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है, आपको क्या है बेसिक नॉलेज लेनी है कि व्हाट इज कास्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगी और चीज़ें आप समझ समझ जाएंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। क्लियर। चलिए हम बात करते हैं मशीनिंग की। तो मशीनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन क्या होती है, ये आप जब लैब में जाएंगे, वर्कशॉप की लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लेथ मशीन रखी होगी। वहाँ से आप इजीली रिकॉग्नाइज करेंगे उसको, और उसके बारे में मैं यहाँ पे क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, और बाकी नॉलेज वो आपको लैब में भी प्रोवाइड कराएंगे, ऑपरेशन वगैरह एक्सेट्रा एक्सपेरिमेंट वही कराएंगे आपको लैब में। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन, ड्रिलिंग मिलिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको इस मशीनिंग यूनिट में पढ़ना है। इसके अलावा कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपका आज के टाइम पे इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल प्रोसेस, जबकि अनकन्वेंशनल मीनिंग होता है नॉन ट्रेडिशनल। जैसे आपने देखा होगा मोदी जी सोलर प्लांट पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें पावर प्रोड्यूस करना है, बिजली प्रोड्यूस करनी है, तो हम नॉर्मली कोल कोक का यूज़ करते हैं। उसको बर्न करके उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है। बट आपने सुन भी रखा होगा, कई जगह पढ़ भी रखा होगा कि कोक हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, नेचुरल रिसोर्स है ये लिमिटेड अमाउंट में है। एक टाइम बाद ये, अगर हम इसको कंटिन्यू कंज्यूम करते रहे, तो एक टाइम बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा। इसको अब कोक को सेव करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए हमने क्या किया है, एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा है उसको, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी इज अ टाइप ऑफ अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। समझ रहे हैं ना, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्या था, कोक से ब्रिज पावर प्रोड्यूस करना। नॉन ट्रेडिशनल क्या, हमने सोलर से पावर प्रोड्यूस की है। तो ये हमारा अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। उसी तरह यहाँ पे मशीनिंग में क्या होता है, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जब टूल और वर्कपीस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, टूल एंड वर्कपीस का जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तब हम उसको बोलेंगे कि इट्स अ टाइप ऑफ कन्वेंशनल मशीन प्रोसेस। बट जब टूल और वर्कपीस का इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, तो हम यही बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। क्लियर। उसी तरह इसके बाद आपको मशीन टूल है, ये आपको उसमें मैं पढ़ाऊंगा क्या है मशीन टूल, कैसे वर्क करता है, मेटल कैसे रिमूव होता है एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको विजुलाइज भी कराऊंगा, मैं फिगर भी बताऊंगा, उसके लिए परेशान मैं तो अभी तो एक जस्ट ब्रीफ में आपको एक आइडिया, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि होती क्या क्या है चीज़ें, क्या क्या पढ़ना है आपको। बाकी जब मैं इसको एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपका विद फिगर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कौन सी चीज़ वर्क करती है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो कास्टिंग चैप्टर होगा, कास्टिंग प्रोसेस का, जिसमें मोल्ड, गेटिंग सिस्टम, पैटर्न मेकिंग, डिफेक्ट, क्यूपोला फर्नेस एक्सेट्रा, सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। जो कि आपने देखा होगा, जिसमें मेनली क्ले का यूज़ होता है, क्ले से हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाते हैं। और आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देखी है आप लोगों ने, और आपके इंडिया में ही, मतलब हमारे इंडिया में भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट कास्टिंग और पाउडर मेटलर्जी। तो आप कह सकते हैं कि उसके भी आप पे हम उसको यूज़ करते हैं, ताकि हम प्रोडक्ट को सही शेप और टेप
टिपिकल से टिपिकल डिज़ाइन ड्राइंग डिज़ाइन बना सकें, जो हम शेप चाहते हैं टिपिकल से टिपिकल, वो हम कास्टिंग के थ्रू इजीली बना सकते हैं। ये चीप एंड बेस्ट प्रोसेस होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो रहेगा मेटल फॉर्मिंग रहेगा, मेटल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसमें हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग का क्या रोल है, पाउडर मेटलर्जी क्या होती है, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में रहेगा वो वेल्डिंग रहेगा। वेल्डिंग में ही, वेल्डिंग मैंने बताया ना ज्वाइनिंग प्रोसेस है, तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होते हैं, ये वेल्डिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह का ज्वाइंट देता है, कैसे वेल्डिंग होती है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वर्कशॉप कॉन्सेप्ट में। तो आई थिंक इतनी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, अब ये ध्यान देना है हमें कि जो वर्कशॉप कॉन्सेप्ट है इसमें चीज़ें हमारे पास कैसे पॉसिबल हो रही हैं और किस तरह से हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर। अब ये देखिएगा कि अगर आपको सपोज रॉ मटेरियल आपके पास है, रॉ मटेरियल से डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो ये आपका कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब रॉ मटेरियल को डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। और इसी प्रोसेस को एक पर्टिकुलर लैब में हम जब हम करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस में हम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्कशॉप। ये कॉन्सेप्ट आपका जो होता है वो वर्कशॉप के अंडर कंसीडर होगा। तो जब अल्टीमेटली हमारा जो वर्कशॉप कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होगा, रॉ मटेरियल से हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को बना के उसको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में बना के सेल करते हैं। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स में प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें कई तरह के प्रोसेस होते हैं, वही प्रोसेस आपके कहलाते हैं मशीनिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग और वेल्डिंग। क्लियर। ये जो मैं आपको बताया, जो चार पार्ट में मैंने वर्कशॉप को आपको चैप्टर में कन्वर्ट किया, उसको क्या बताया कि जब हम रॉ मटेरियल को डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ करते हैं, और ये प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, मशीनिंग, कास्टिंग, मेटल फॉर्मिंग और वेल्डिंग, ये आपके मेन प्रोसेस होते हैं। इसमें आपका ये मान के चलिए कि आप प्रोडक्ट को किस तरह बना रहे हैं, कैसे हमको प्रोडक्ट को अच्छा दिखाना है, उसकी सरफेस फिनिश कैसे करनी है, हॉट वर्किंग करनी है, कोल्ड वर्किंग करनी है, तो ऑल दीज थिंग आर कवर अंडर दिस वर्कशॉप कॉन्सेप्ट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सबको। कोई भी डाउट या कुछ आपको अगर लगता है तो आप मुझे बता दीजिए, मतलब आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और मुझे बता दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लिख के रखिए, डाउट वगैरह कुछ होता है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए फिर मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, या फिर अभी आपको चलिए यहीं नेक्स्ट क्लास में बाकी हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, आपके जो डाउट हैं आप वो डाउट पूछ लीजिएगा, मुझे मेल कर दीजिए, या जो भी डाउट हैं वो आप पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।